पे देखो तीन रो है, एक दो और तीन, ठीक है, यहाँ पे तीन रो हो गए, राइट। अब सबसे पहला काम क्या है, ए इक्वल टू क्या होता है भाई, ए आई होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, आई ए, आई ए होता है, क्या होता है, आई ए होता है। चलो अब ए हमारे पास क्या है, वन थ्री माइनस टू माइनस थ्री जीरो माइनस फाइव टू फाइव जीरो, थोड़ा सा भाई छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ये थ्री बाई थ्री की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ये क्या है, मैट्रिक्स की थ्री बाई थ्री की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। चलो सबसे पहला काम वन बनाना, जो कि है ऑलरेडी, जो कि ऑलरेडी है, ठीक है, यहाँ पे वन ऑलरेडी दे रखा है तो हमें वन बनाने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, पहला स्टेप आपका खत्म। सेकंड, अब इसके नीचे वाले रो में जो एलिमेंट है जीरो जीरो यहाँ पे ना, तो सबसे पहले इसको और इसको जीरो बनाओगे, क्या करोगे, इसको और इसको जीरो बनाओगे, तो क्या करेंगे हम, आर टू प्राइम, आर टू प्राइम को क्या करेंगे, आर टू प्लस थ्री आर वन कर देंगे, क्या करेंगे, आर टू प्लस थ्री आर वन, मतलब आर टू प्राइम है ये वाला, ठीक है, इसमें इसको थ्री से इंटू करके एड कर देंगे, जीरो आ जाएगा, माइनस थ्री और थ्री इंटू वन इज थ्री प्लस थ्री जीरो। सेम बच्चों आप एक और रो, ऐसे वाले केस में आपको दो ऑपरेशन एक साथ करने पड़ेंगे, ठीक है ना, यस, दो दो सर्जरी एक साथ करनी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, आर थ्री माइनस टू आर वन, यहाँ पे टू है ना, तो जब मैं फर्स्ट रो को टू से इंटू करूंगा और थर्ड रो में से घटाऊंगा तभी तो यहाँ पे जीरो बनेगा, सोचो जरा इसको देखो, ठीक है, अब क्या आएगा जरा देखिए, पहली वाली रो तो एज इट इज, इसमें कछु चेंज ना होगा, है ना, पहली वाली रो में कछु चेंज ना होगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला इसके अंदर, सो माइनस थ्री प्लस थ्री क्या हो गया, जीरो, जीरो जीरो प्लस थ्री इंटू थ्री कितना हो गया, नाइन, देखो जीरो तो ये हो गया आर टू और थ्री इंटू थ्री कितना हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, तो नाइन आ गया, ठीक है, माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस फाइव और तीन दूनी छह माइनस छह कितना हो गया, माइनस इलेवन। वैसे एक बात बता दू, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, मतलब लेंथीएस्ट क्वेश्चनों में से एक माना जाता है 16 क्वेश्चन को, इसकी मतलब एल्गोरिथम, इसमें इतनी कैलकुलेशंस होती है डेली में, मतलब इसका पहली बार में आंसर आता ही नहीं है मोस्ट ऑफ 90% बच्चों से, तो ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो अब आगे क्या करना है भाई, ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना भाई, कैलकुलेशन देख लेना, बहुत बारीकी का काम है यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या हमने यहाँ पे, माइनस थ्री बाई जीरो हो गया, जीरो और थ्री थ्री सा नाइन हो गया, माइनस फाइव और माइनस फाइव, माइनस फाइव तीन दूनी छे यानी माइनस सिक्स, तो माइनस इलेवन हो गया। अब इसकी बारी करते हैं आर थ्री की, इसी में एक और चेंज होगा भाई, अभी इसमें एक और चेंज है, टू माइनस में, टू माइनस में, टू माइनस टू जीरो है ना, फाइव माइनस तीन दूनी छे तो माइनस एक हो जाएगा, और जीरो जीरो माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस फोर, तो यहाँ पे प्लस फोर, जीरो प्लस फोर इज फोर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो राइट साइड में भी चेंज होगा ना भाई, यहां भी तो चेंज होने वाला है, जो चेंज आपने यहां किया वही चेंज वहां भी करोगे भाई, पहले रो में कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट वाली रो में कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो भाई आप सीधा सॉल्व करो, आर टू प्लस थ्री आर वन यानी जीरो प्लस थ्री इंटू वन इज थ्री, ठीक है, उसके बाद वन प्लस में जीरो वन और जीरो प्लस जीरो इज जीरो, तो ये आ जाएगा, देखो आर टू है ना, ये जीरो प्लस थ्री इंटू वन इज थ्री, वन प्लस जीरो इंटू थ्री इज जीरो यानी वन आ जाएगा और जीरो प्लस जीरो इज जीरो हो जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व करो आर थ्री वाला, जीरो माइनस टू माइनस टू, जीरो माइनस जीरो जीरो, वन माइनस टू जीरो इज टू इंटू जीरो इज वन, ठीक है, वैल्यूज पुट करो इसमें, ठीक है, ये हमारा राइट वाला सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, अब इसको बीच वाले एलिमेंट को है ना, यहाँ पे वन होना चाहिए ना, अब तो अब यहाँ पे भाई डायगनल एलिमेंट इसमें वन बनाना है, पहले पहला काम क्या होता है भाई, डायगनल एलिमेंट वन बनाना है, दूसरा काम उस डायगनल एलिमेंट की मदद से उसके ऊपर नीचे अगल बगल दाएं बाएं वाले जो एलिमेंट है उनको जीरो कर देना है, तो अब पहले इसको हम वन बनाएंगे, ठीक है, तो आर टू प्राइम, आर टू प्राइम, तो वही से सवाल है सेम, पहले वन बनाना फिर जोड़ घटा करके जीरो बना देना, फिर वन बनाना फिर जोड़ घटा करके जीरो बना देना, फिर वन बना देना फिर जोड़ घटा करके जीरो बना देना, तो ऐसे छह स्टेप समझ लो आप, ठीक है। आर टू प्राइम क्या होगा, आर टू प्राइम की बात करते हैं, यहाँ पे वन अपॉन नाइन क्या हो जाएगा, आर टू हो जाएगा भाई, इसको नाइन से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है, तो वन थ्री माइनस टू, वन थ्री माइनस टू, जीरो वन माइनस इलेवन बाई नाइन, जीरो माइनस वन एंड फोर, जीरो माइनस वन एंड फोर इक्वल टू, इक्वल टू वन बाई नाइन यानी वन जीरो जीरो, थ्री बाई नाइन क्या हो जाएगा,
वन बाई थ्री, वन बाई नाइन ऐसे आ जाएगा, और जीरो बाई नाइन क्या हो जाएगा, जीरो माइनस टू जीरो एंड वन और इंटू में ए। ये बात समझ आ गई? जो चेंज आप यहां करोगे वही चेंज आपको राइट साइड पे भी करना है। अब क्या करना है, ये हमारे पास वन बन गया, अब इस वन की हेल्प से इसको और इसको जीरो बनाना है, इस वन की हेल्प से इसको और इसको जीरो बनाना है। सिंपल सा स्टेप है, मैंने इसको वन बनाया, अब इसके ऊपर नीचे जो एलिमेंट है वहां पे जीरो करना है। हमें इसको दिमाग में रखना है, ध्यान रखो इसको दिमाग में रखो हमेशा। तो क्या आ जाएगा भाई, आर टू प्राइम, आर टू प्राइम, आर टू नहीं सॉरी आर थ्री प्राइम, आर वन प्राइम, पहले आर वन प्राइम, आर वन माइनस थ्री आर टू, ऐसे होगा ना भाई, आर वन में से तीन में से इसको तीन से इंटू करके घटा दो तो जीरो आ जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे, आर थ्री प्राइम इज आर थ्री प्लस आर टू, यानी इसमें इसको ऐड कर दो तो जीरो आ जाएगा भाई, माइनस वन प्लस वन इज जीरो। ऐसे एल्गोरिथम आपको सोचना पड़ेगा, आर टू फिक्स रहेगी, आर टू को नहीं हम आर वन आर थ्री को चेंज कर रहे हैं। अब देखो, देखो भाई ये वाला जो एलिमेंट है ना इसका तो कुछ नहीं होगा, वन ही रहेगा, बट ये वाला जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस टू है, यहां पे देखो पुट करो माइनस टू आर वन की जगह, थ्री इंटू में माइनस इलेवन बाई नाइन, तो कितना आ जाएगा प्लस इलेवन बाई थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो कितना आ जाएगा फाइव बाई सिक्स, है ना, फाइव बाई सॉरी थ्री टू जा सिक्स, यानी इलेवन में से फाइव क्या उल्टा कर देगा, थ्री टू जा सिक्स फाइव बाई थ्री, भाई फाइव बाई थ्री आ जाएगा। ओके चलो, बीच वाली रो में कछु चेंज ना हो, ये ऐसी रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला। यहां पे देखो जीरो, ठीक है, जीरो में से जीरो गया तो जीरो ही बचेगा, कोई चेंज नहीं, ये भी तो जीरो ही हो जाएगा। अब फोर है, फोर 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 फोर, यानी ये वाली ये एल्गोरिथम है ना, फोर माइनस इलेवन बाई नाइन इंटू में कितना है, कुछ नहीं है, बस इतना ही है, नौ चक छत्तीस में से ग्यारह का कितना बचा, माइनस पच्चीस बाई नाइन। जरा भाई क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं एक बार, पहले हमने इसको सॉल्व किया है ना फर्स्ट वाले में, वन में से जीरो गया तो भाई वन बचा, थ्री में से थ्री इंटू जीरो, थ्री इंटू वन करोगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है आ गया, माइनस टू, माइनस टू और माइनस टू, और यहाँ पे कितना है इलेवन बाई नाइन है, माइनस टू और इलेवन बाई नाइन करोगे तो प्लस इलेवन बाई थ्री आ गया था, है ना, तो भाई इलेवन थ्री टू सिक्स, इलेवन में से फाइव गया, सिक्स गया तो फाइव बचा, फाइव बाई थ्री आ गया, ठीक है। जीरो बीच वाली रो एज इट इज, भाई जीरो में से जीरो गया जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, और चार में से इसको हमें क्या करना है, एड करना है ना, एड ही तो क्या था, इसको एड करोगे तो चार में छत्तीस में से ग्यारह गया तो पच्चीस, देखा भाई प्लस में आंसर आ रहा है इसका, प्लस में आंसर आएगा, माइनस में आते हैं ना गड़बड़ हो जाती, तो प्लस में आंसर आ रहा है, नौ चौक छत्तीस, तो पच्चीस बाई नौ। इसी प्रकार आप राइट वाला भी सॉल्व कर लीजिए, भाई राइट वाले में क्या आ जाएगा, आप देखो आर वन यहाँ पे वन है, वन माइनस वन कितना हो गया जीरो हो गया, है ना, जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस वन बाई नाइन इंटू में थ्री कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई थ्री, यही आएगा ना, जीरो माइनस थ्री इंटू वन बाई नाइन इज माइनस वन बाई थ्री, फिर जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखो, यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला है आर थ्री है, भाई सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है, सेकंड रो में तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा था, इसलिए जीरो रह जाएगा, राइट, ये सेकंड रो ऐसी रहेगी। अब यहाँ पे आर थ्री है, माइनस टू प्लस में आर टू है ना, माइनस टू, या सो माइनस टू, माइनस टू प्लस वन बाई थ्री कितना हो जाएगा, माइनस फाइव बाई टू, यही आएगा ना, चेक करो, देखो माइनस टू और प्लस वन बाई थ्री, तीन दूनी छह माइनस छह, सो और माइनस छह जमा एक, माइनस फाइव बाई थ्री आ जाएगा, माइनस फाइव बाई थ्री। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान रखना है, जीरो प्लस वन बाई नाइन तो कितना हो गया, ओनली वन बाई नाइन, जीरो प्लस वन बाई नाइन वन बाई नाइन, और वन प्लस जीरो इज वन, और इंटू में ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या करना है भाई, इन दोनों को जीरो बनाना है, नहीं पहले हम इसको वन बनाएंगे, थर्ड वाले को हम वन बनाएंगे, तो यहाँ पे जो आर थ्री प्राइम हो जाएगा इसको हम क्या करेंगे, नाइन बाई ट्वेंटी फाइव से इंटू कर देंगे। अब आपको इसे वन बनाना है, ध्यान रखना है इस वाले लास्ट वाले एलिमेंट को, ये दिमाग में रखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ पे वन है तो यहाँ पे भी वन होना चाहिए। तो चलिए अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, क्या जाएगा भाई, फर्स्ट सेकेंड रो सेम, इसमें कोई चेंज नहीं, वन जीरो फाइव बाई थ्री, जीरो वन, जीरो वन माइनस इलेवन बाई नाइन, और यहां पे अगर आप इंटू करते हो नाइन बाई ट्वेंटी फाइव से, जीरो जीरो और वन, ओके, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, भाई अगेन यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं, जीरो माइनस वन बाई थ्री, जीरो वन बाई थ्री, वन बाई नाइन, जीरो माइनस फाइव बाई थ्री, वन बाई नाइन एंड वन, ओके चलो, और इंटू में ए। नाउ सॉरी यहां पे तो भाई चेंज होगा, यहां पे चेंज करना पड़ेगा,
इसको हम करेंगे 9 बाई 25 से इंटू, पहले इसको इंटू करो, 9 बाई 25 इंटू में माइनस 5 बाई 3, 9 बाई 25 इंटू में माइनस 5 बाई 3, 3 तिया 9, 3 5 पचे 25 है ना, तो माइनस 3 बाई 5 ये आ जाएगा। 1 बाई 9 से इंटू करो इसको तो कितना आ जाएगा, 1 बाई 25, और 1 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 9 बाई 25, ठीक है। वन ऑफ द लेंथीएस्ट कैलकुलेशन में से एक है ये वाला सवाल, 16 क्वेश्चन जो है। नाउ आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब हमें क्या करना है भाई, इसको और इसको जीरो बनाना है इसकी हेल्प से, वन की हेल्प से इन दोनों को जीरो बनाएंगे। सो पहले आर वन देखो, आर वन क्या हो जाएगा, आर वन माइनस फाइव बाई थ्री आर थ्री, यही तो होगा ना, आर थ्री की हेल्प से इसको हम आर वन आर टू को जीरो बनाएंगे जो इसके वन के ऊपर जो एलिमेंट है। ऐसे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर टू क्या हो जाएगा, माइनस इलेवन बाई नाइन आर टू माइनस यानी प्लस इलेवन बाई नाइन आर थ्री, ये एल्गोरिथम होगा, चेक करो। देखो जब इसको 11 बाई 9 से इंटू करोगे और इसमें ऐड करोगे तभी तो जीरो आएगा। सो आर टू प्लस 11 बाई 9 आर थ्री हो जाएगा, राइट। अब कर लो सॉल्व इसको, तो क्या आएगा यहाँ पे, आर वन माइनस 5 बाई 3 आर थ्री, भाई इन दोनों में कोई चेंज नहीं होने वाला, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, जीरो वन जीरो में भी कुछ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है चेक कर लेना। 5 बाई 3 माइनस 5 बाई 3 जीरो, माइनस 11 बाई 9 प्लस 11 बाई 9 जीरो, और ये वन एज इट इज। अब राइट वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो जीरो जीरो माइनस थ्री बाई फाइव है ना, जीरो माइनस फाइव बाई थ्री इंटू में माइनस थ्री बाई फाइव, कट गया फाइव से फाइव कैंसिल, थ्री से थ्री कैंसिल, वन, तो कितना आ गया, ओनली वन आ जाएगा। माइनस वन बाई थ्री माइनस फाइव बाई थ्री माइनस फाइव बाई थ्री, और आर थ्री में कितना है यहाँ पे, वन बाई ट्वेंटी फाइव। एक काम करो, पांच से पांच कट गया, पंद्रह एलसीएम आ जाएगा, तीन पंजे पंद्रह माइनस फाइव, ठीक है, और माइनस में वन, तो माइनस छह बट्टे पंद्रह, तीन दूनी छह, तीन पंजे पंद्रह, माइनस टू बाई फाइव, और जीरो 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 प्लस यानी माइनस फाइव बाई थ्री इंटू में नाइन बाई ट्वेंटी फाइव, ऐसे कर लो, तीन तिया नौ, पांच पच्चीस पच्चीस, राइट, तो कितना आ गया, माइनस थ्री बाई फाइव आ जाएगा। ये आ गया फर्स्ट रो का एलिमेंट। ऐसे भाई सेकेंड वाले को चेंज करोगे भाई, आर टू है ना, तो वन बाई थ्री यहाँ पे है, और प्लस इलेवन बाई नाइन इंटू में आर थ्री, आर थ्री की वैल्यू माइनस थ्री बाई फाइव, सॉल्व कर लो, तीन तिया नौ, ठीक है, वन बाई थ्री एलसीएम, वन माइनस इलेवन बाई फाइव, तो कितना आ जाएगा, पांच माइनस ग्यारह बट्टे पांच इंटू में वन बाई थ्री, भाई माइनस छह बट्टे पंद्रह पांच आ जाएगा इंटू में वन बाई थ्री, कितना आ गया, माइनस टू बाई फाइव, कितना आ जाएगा, माइनस टू बाई फाइव, यानी तीन पंजे पंद्रह और पांच, पांच में से ग्यारह गया तो छह बट्टे पंद्रह माइनस टू बाई फाइव, ठीक है ना, माइनस टू बाई फाइव ये आ जाएगा। वन बाई नाइन है और प्लस में 11 बाई नाइन, वन बाई नाइन प्लस 11 बाई नाइन, और इंटू में आर थ्री, आर थ्री कितना है, 1 बाई 25, कट जाएगा ये, तो 1 बाई नाइन कॉमन निकाल लो, तो 25 जमा में 11 बटे 25, तो 36 बटे 25 होगा इंटू 1 बाई नाइन, 9 चौक 36, तो कितना आ गया, 4 बटा 25, तो यहाँ पे आ गया 4 बटा 25, देख रहा है ना विनोद कितनी लंबी कैलकुलेशन है, देख रहा हूं, कभी ना देखो मैंने इतनी लंबी कैलकुलेशन। चलो अब सॉल्व करते हैं आगे, और भाई ये वाला रह गया जीरो, नाइन बाई इलेवन यहां लिखो, तो भाई इस नाइन से नाइन कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इलेवन बाई पच्चीस। ओके, थर्ड रो में तो हमने कोई चेंज ही नहीं किया, वन बाई ट्वेंटी फाइव, नाइन बाई ट्वेंटी फाइव, और इंटू में ए, ये क्या आई आ गया ना, तो आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में ए, तो ए इनवर्स हमारे पास क्या हो गया, ये वाली मैट्रिक्स, सो वन माइनस टू बाई फाइव माइनस थ्री बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव, फोर बाई ट्वेंटी फाइव, इलेवन बाई ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री बाई फाइव, वन बाई ट्वेंटी फाइव, नाइन बाई ट्वेंटी फाइव। तो देखो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत लेंथी होते हैं, इसमें अगर एक भी आपका कहीं एल्गोरिथम मिस्टेक हो गया, गलत हो गया, तो लगभग समझ लो कि एक एलिमेंट की वजह से आपके तीन एलिमेंट खराब हो जाएंगे, ठीक है ना, और दो एलिमेंट का मतलब छह एलिमेंट खराब हो जाएंगे। अगर ये वैसे तो पहले छह नंबर का क्वेश्चन आता था, तो छह नंबर में 100% सवाल पूछा जाता था, फिर उसके बाद पैटर्न चेंज हुआ, एक दो तीन चार नंबर का सवाल बना, तो फिर चार नंबर में पूछा जाने लग गया, फिर दोबारा से पैटर्न चेंज हो गया, उसका केस स्टडी आनी शुरू हो गई, पांच नंबर की स्टडी स्टार्ट कर दी उन्होंने, ये तो वन टू थ्री फोर फाइव तक का क्वेश्चन चलता है। अब इस साल का पैटर्न नहीं पता भाई, हो सकता है इस बार भी चेंज हो, सीबीएसई बहुत ज्यादा डायनेमिक हो चुकी है, इस टाइम पे जो पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है, और अब तो कहा जा रहा है कि ऑन डिमांड एग्जाम भी कराया जाएगा, मतलब जब आपका मूड हो, जब आपने तैयारी कर ली तब जाके एग्जाम दे देना, सर मैं तैयार हूं पेपर ले लो, ठीक है, अब तो ऐसा होने वाला है, हो सकता है NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
और आपने सुना होगा ना कि भाई हर कोई बंदा कुछ भी पढ़ सकता है अब तो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाली स्ट्रीम जैसे ये खलास कर देंगे। उसके बाद भाई अगर आपने साइंस ले रखी तो इसमें आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, ठीक है, ड्राइंग बनाओ जाके, जो मर्जी है वो सब्जेक्ट लो, ठीक है। तो भाई मतलब आपके पास इसके अलावा भी चॉइस होंगी, लेकिन ये चॉइस पुरानी है, ऐसी बात नहीं है। जैसे कॉलेजेस में वो निकाला गया था, अभी भी है वैसे, क्रेडिट बेस्ड चॉइस पे सब्जेक्ट चूज किए जाते थे, यानी क्रेडिट चॉइस बेस्ड सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसमें एक्चुअली में क्या होता है कि भाई आप सब्जेक्ट चूज कर लो किसी भी उसका किसी भी स्ट्रीम का, और आप उसको मतलब अपने करिकुलम में ऐड करवा लो, तो ऐसा भी होता था। तो वही सेम पैटर्न आपके इस पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा।